में सामोचन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार धनबार शानदार काम बनेगा करोड़पति। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, देखिए जीवन में नींद चैन भूख प्यास इन सब का एहसास हमें दो सूरतों में नहीं होता है। एक तब जब हम किसी अपने से मिलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और दूसरा जब हमारे किसी अपने की विदाई का समय नज़दीक आ रहा होता है। इस एहसास को मैंने दो सूरतों में महसूस किया है। 20 हफ्ते पहले जब हम KBC का ये दौर शुरू करने वाले थे और आज जब 20 हफ्ते के बाद इस दौर के समापन में बस एक ही दिन रह गया, कल इस दौर का आखिरी दिन होगा। इतने दिनों से आप सब से मिलना बातें करना एक आदत से ज़्यादा एक ज़रूरत बन गई थी। ये वो ऊर्जा है, ये वो वातावरण है जो मुझे इस मंच से बाहर भी जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत देती रहती है, ताकत देती रहती है। ये वो वातावरण है जिसमें सांस लेकर मुझे जीवन की हर उलझन हर परेशानी हल्की लगने लगती। इसलिए आज और कल इन दो दिनों में मेरी लालच और मेरी कोशिश यही होगी कि आपके इस प्यार को जितना भी बटोर सकूं बटोर। अगर मेरी कोशिश है प्यार बटोरना तो मेरे सामने जो बैठे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट ललित कुमार जी, इनकी भी कोशिश है कि ढेर सारी धनराशि बटोर लें और इस काम में ये सफल भी हुए हैं क्योंकि कल जब इनके साथ हम खेल रहे थे तो दो लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 12,50,000 रुपये जीत लिए। इनको हम बधाई देते हैं। कई हमारे कंटेस्टेंट रहते हैं जो कि सरकार में काम कर रहे होते हैं, किसी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनको हम सरकार बोलते हैं लेकिन ललित कुमार जी को हम मालिक बोलेंगे क्योंकि ये मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो मालिक साहब आपको एक बार फिर प्रणाम करते हैं हम ललित कुमार जी, और बहुत बहुत आपको हम स्नेह प्यार देते हैं और आपका आशीर्वाद हम पर मिलता रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ललित कुमार जी हैं, ये फॉरबिसगंज बिहार से हैं, कंपेनियन के रूप में इनके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को एक बार फिर से, एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। स्वागत। तो इसी के साथ जवाब दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आरंभ करते हैं हम बनेगा करोड़पति। तो ललित कुमार जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। आज इस खेल का जो पहला प्रश्न होगा ललित कुमार जी वो होगा 13वां प्रश्न जिसका मूल्य आप जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है 25,00,000 रुपए। और ध्यान रहे कि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है। 13वां प्रश्न 25,00,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री का जन्म म्यांमार में हुआ था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो अपने परिवार के साथ बचकर भारत आ गई थी। Which of these actresses was born in Myanmar and later escaped with her family to India during the Second World War? ऑप्शन सुनिए। ए सुलोचना, बी नादिरा, सी सुरैया, डी हेलेन। कहीं सुना हो पढ़ा हो आपने? सर मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था और म्यांमार भी इसका एक मेजर थिएटर ऑफ वॉर था। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। लाइफलाइन? जी सर। ऑलराइट। बची हुई लाइफलाइन जैसे कि हमने कहा था वीडियो कॉल फ्रेंड है, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और आपने जो तीन नाम दिए थे वो ये हैं, एक है कृष्ण प्रसाद, मनीष मीना जी हैं और यशवंत मित्रा। सर मैं मनीष को कॉल करना चाहूंगा। मनीष मीना जी। ऑलराइट। मनीष मीना जी को वीडियो कॉल लगाया जाए।
ये मित्र हैं आपके? यस सर, मित्र और कलीग सर। कलीग हैं? हाँ। साथ में काम कर रहे हैं आरबीआई में? जी सर। मनीष जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और बहुत बहुत प्रणाम अमिताभ जी, बहुत बहुत। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, आपके जो कॉलीग हैं जो आपके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं ना, ललित कुमार जी, वो हमारे वो हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। रेडी मनीष जी, तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। Which actress born in Myanmar later escaped with her family to India during the Second World War? Which actress born in Myanmar escaped with her family to India during the Second World War? A. Sulochana, B. Nadira, C. Suraiya, D. Helen. Question clear है? हाँ, question clear है। Sulochana, Nadira, Suraiya, Helen. Myanmar में जन्म हुआ था और Second World War के time पे India आ गई अपनी family के साथ। सुलोचना, नादिरा, सुरैया, हेलेन। ललित, ललित इनमें से मैं किसी क्वेश्चन पे मतलब किसी ऑप्शन पे श्योर नहीं हूँ, तो मैं कुछ आंसर नहीं दे सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई साहब, अब आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है। जी सर। और आप 12:50 जीत रहे हैं। अगर आप गेस करना चाहें या सोचना चाहें और, तो आपको समय मिल सकता है, लेकिन आमतौर पर राय यही होती है कि आप क्विट कर सकते हैं 12:50 आप जीत रहे हैं। सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ललित कुमार जी, अकाउंट नंबर आ गया, कैंसिल ना दबाएंगे। 12,50,000 भर दिया है, कंफर्म किया। इसी समय ये आपके बैंक अकाउंट में चला गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट भाई साहब, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि सही उत्तर बताना पड़ेगा। सर, ऑप्शन सी सुरैया। ऑप्शन सी सुरैया पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही आंसर है हेलेन। हेलेन जी, हाँ, आपको मालूम था हेलेन और उनके परिवार को म्यांमार, तत्तप बर्मा कहते थे उसको, मैं अपने घर से बचकर भारत आने के लिए जंगल, नदी, पहाड़ के माध्यम से मीलों लंबे इलाके से होकर वो उनको गुजरना पड़ा, और हमलावर जापानी सैनिकों से बचने के लिए उन्हें 1943 में ये करना 1943 में ये करना पड़ा। और कितनी सक्षम कलाकार बन गई हमारे फिल्म इंडस्ट्री की, नृत्य करते समय उनको जब देखते थे तो एकदम मग्न हो जाते थे, है कि नहीं? और हमारा भी सौभाग्य मिला हमें 2-3 फिल्मों में उनके साथ काम करने का। और बहुत ही नेक इंसान जिसे कहा जाए, सबका वो ध्यान व्यान रखती हैं, ख्याल व्याल रखती हैं। हम सब की शुभकामनाएं कि उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, अभी भी काफ़ी उम्र हो गई उनकी। ऑलराइट, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं मालिक। अनेक अनेक धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कौन बनेगा करोड़पति में किसी प्रतियोगी के लिए निम्नलिखित को उनके घटित होने के सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इन द ऑर्डर अ कंटेस्टेंट यूजुअली एनकाउंटर्स देम इन कौन बनेगा करोड़पति। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, 1 करोड़ का प्रश्न, 1 करोड़ क्वेश्चन। बी, सुपर संदूक। सी, पहला पड़ाव। डी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये है ऑप्शंस आपके सामने। 1 करोड़ का प्रश्न, सुपर संदूक, पहला पड़ाव, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। समय समाप्त हो गया है,
आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। सबसे पहले आता है डी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो कि हम अब खेल रहे हैं। सी पहला पड़ाव पांचवें प्रश्न पर आता है, फिर आता है बी सुपर संदूक दसवें प्रश्न के बाद, और अंत में है ए एक करोड़ का प्रश्न, यानी कि वन करोड़ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसी क्रम में डी सी बी ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे कम समय किसका लगा? महाराज क्या कर रहे हो? आइए सर, नहीं तो हमको तकिया लाना पड़ेगा आपके लिए, कंबल अम्बल तकिया दे देंगे आपको। आ जाइए भाई साहब, बड़ी खीब नहीं करते, आइए विराजी। ओहो अविनाश जी, भगवान चलिए हो गया। अरे भाई साहब आप जीत गए हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अच्छा देखिए हम बैठ जाएं, हम आपके लिए पानी वानी लाए हैं, आइए बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए। थोड़ा पानी पीजिए पहले, बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा असली नौकरी है उसको चालू करेंगे। एक दो तीन, हो गया लाइए, ठहर उधर थोड़ा है अभी। बाल बाल ठीक कर लीजिए, बिग हैंड फॉर भारती जी। अविनाश भाई साहब, बहुत से लोग जो हैं प्रयत्न करते रहते हैं कि आकर के इस गर्म कुर्सी पर आकर के बैठे, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि क्यों इतनी भावुक आप हो रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर मैं आज तक कभी रोया नहीं था, काफी टाइम से। मुझे लगता है कि 10 साल पहले रोया होगा। जी जी लेकिन सर आज मुझे पता नहीं क्यों पहली बार मुझे वहां रोना आ गया था, जब लास्ट टाइम था ये तो। कोई बात नहीं सर, भाग्य जब साथ देता है तो कोई रोक नहीं सकता किसी को भी, है कि नहीं? तो जितना भी आपने प्रयत्न किया होगा, प्रार्थनाएं जितने भी बड़ों की जितनी भी मिली आपको, आज वो सफल हो गई, ठीक है? भाई साहब हम देख रहे हैं कि जो कंपेनियन की कुर्सी बनी हुई है ना जी सर, वहाँ कोई है नहीं, आप लाए नहीं किसी को? नहीं सर अभी तो कोई नहीं आ पाया, क्योंकि सर मैं जब एक्चुअली सर आपको जैसे बताया मैं गांव से आता हूं सर, वहां पर ऐसा क्या है कि सर बहुत कम ही लोग होते हैं जो बाहर पढ़ पाते हैं। ओह सर उनमें से मैं हूं, अपने गांव का पहला लड़का हूं सर जो बाहर पढ़ने आया था। तो सर मैं 2019 में लास्ट टाइम घर गया था सर, पिछले 4.5 साल अभी तक घर नहीं गया हूं, क्योंकि सर मैं अपनी माँ से वादा किया था, पापा से, कि पापा मम्मी कुछ अच्छा करके आऊँगा, या तो कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा, या तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही आऊँगा। इसलिए सर मैं घर नहीं जा पाया, लेकिन सर मेरा मानना है कि सर जो ऑडियंस आई है सर पूरे पूरे भारत में अलग अलग जगहों से राज्यों से, मुझे लगता है सर मेरे परिवार ही है, तो आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर सर। उससे भी बड़ी बात सर आप हैं जो सर हमारे लिए मोटिवेशन है, तो आप सब की ओर से और हमारी ओर से आपके मुँह में घुस सकते हैं। शुक्रिया सर, आइए और मजा कीजिए, सफल होइए। बिल्कुल सर, एक तो आपकी जो कामना थी वो पूरी हो गई, आप आ गए। बिल्कुल सर, और घर वालों को जब उनको पता चलेगा कि आप पहुंच गए? अभी नहीं पता, अभी नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, बताना भी ना, बताएंगे, ठीक सर, ओके। ऑलराइट अविनाश जी जी,
तो खेल की ओर अब आपका हम ध्यान आकर्षित करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही हैं इस खेल के। तीन लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी लाइफलाइन है डबल टिप। ओके, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अविनाश जी। चलिए खेल शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट अविनाश भाई साहब, पहला प्रश्न आ रहा है ₹1,000 का। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से दो शब्द इन दोनों हिंदी वाक्यांशों के रिक्त स्थान को भरेंगे? डैश डैश एक करना और डैश डैश का अंतर। व्हाट टू वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बोथ दीज हिंदी फ्रेजेस? डैश डैश एक करना एंड डैश डैश का अंतर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए घोड़ा गधा, बी जमीन आसमान, सी गाजर मूली या डी नाक कान। सर मुझे 100% श्योर हूँ कि इसका जमीन आसमान होगा, तो सर मैं ऑप्शन बी के जाना चाहूँगा कि जमीन आसमान एक करना और रात सॉरी जमीन आसमान एक करना जमीन आसमान का अंतर। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, पूरा अनुमान लगाने के बाद बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, आगे चलते हैं अविनाश जी। दूसरा प्रश्न ₹1,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या समय दर्शाने का सही तरीका नहीं है? Which of these is an incorrect representation of time? A 4:34, B 8:27, C 5:17, D 9:72. सर जो सवाल है इसमें पहला तो नहीं होगा, क्योंकि सर जो 72 जो लिखा वो 60 सेकेंड का होता है, 60 मिनट का होता है, तो सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँगा, 9 संबंधित 7.7। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी पे था लगा जाए, बिल्कुल सही जवाब हो गया। जोरदार जीत लिया आपने। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न ₹3,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र है और इसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया। इनमें से कौन सा यातायात चिन्ह गति सीमा को दर्शाता है? Which of these traffic signs indicates a speed limit? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर में इसका जो राइट आंसर है इसका सी होगा, क्योंकि सर 50 लिखा है उसमें। आई थिंक ऐसा कहा जाता है कि 50 के इससे ज़्यादा नहीं चल सकते, इतना कम से कम होना चाहिए। तो सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी कह रहे हैं, ताल लगा जाए। यस, इज राइट आंसर। ₹3,000 जीत लिया आपने। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। भाई साहब ₹5,000 इसका मूल्य। जी सर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल को खेलने के लिए गेंद का उपयोग किया जाता है? जी, गेंद को। Which of these sports involves the use of a ball during play? A फील्ड हॉकी, बी रेसलिंग, सी बॉक्सिंग, डी कबड्डी। फील्ड हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी या कबड्डी? सर मैं राइट आंसर जाना चाहूंगा, फील्ड हॉकी के ऊपर। क्या करें सर, लॉक किया जाए? ऑप्शन ए फील्ड हॉकी। ए फील्ड हॉकी पे था लगा जाए, बिल्कुल सही कहा। चार प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, ₹5,000 जीत गए। ये पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न ₹10,000 का। जी सर। इससे पहले कि वहाँ जाएं, जी हमारी जो टीम है ना KBC की, वो इनसे मिलने गई थी इनके गांव, तो वहाँ पर इन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है और हम चाहेंगे कि सब लोग जो वीडियो बना है वो देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? संघर्षों के साए में असली आज़ादी पनपती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिगर हिम्मत चलती है। मेरा नाम अविनाश भारती है, मैं ग्राम हैदरगंज और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली में किराए पर रूम लेकर UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ।
जब भी मुझे कभी याद आती है मम्मी पापा की दीदी की तो मैं वीडियो कॉल पे बातें कर लेता हूँ। मम्मी का हाथ का खाना और पापा की डांट दोनों ही बहुत याद आती है। मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहा हूँ खासकर सिविल सर्विस को लेकर, तो मैं अकेला क्यों हूँ। मेरा मानना है कि संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है। जिस दिन सफल हो जाऊंगा उस दिन मेरे माँ बाप भी होंगे, साथ में होंगे, सारे दोस्त भी होंगे, सब होगा, सब सारा जहाँ होगा। सर बहुत ही आपने निश्चित कर लिया है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जी सर। और जितनी भावनाओं के साथ आप उसको व्यक्त करते हैं ना, वो बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसलिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं भाई साहब। धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा है। जी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इसमें दिखाई दी। एक अच्छी बात ये थी कि वही कॉलेज है जिसमें हम पढ़े थे। बिल्कुल सर, मैं उसी सर मैं आपके कॉलेज का जूनियर हूँ। और सर जहाँ आपने पढ़ाई किया है किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, सर मैंने भी वहीं पढ़ाई किया है। सर जहाँ आपने 3 साल बिताए हैं रूम नंबर 27 में, सर मैं उसी रूम में ही रहा हूँ पिछले 3 सालों से। अरे वाह। अच्छा भाई साहब एक चीज हम जानना चाहते हैं, जो हॉस्टल में कमरा था ना। जी। जहाँ आप कह रहे थे कि वो हमारा कमरा था, कैसा है अभी? वैसा ही है सर, बहुत प्यारा है सर। बहुत प्यारा ना, एकदम कोने पे है ना। हाँ बिल्कुल सर, ऊपर वहाँ से दीवार दिखती है। जी सर, वो फांद के हम लोग पिक्चर देखने जाया करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना साल हमने वहाँ बिताया वो सब बेकार गया। कुछ हमने नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। और उसके बाद सुनिए, बीएससी किए हैं जी, और बीएससी का बी उपयोग नहीं हो रहा जहाँ हम अभी बैठे हैं। बिल्कुल सब भूल भाल गए हैं, कुछ याद ही नहीं है। सर नीति आपकी ये थी कि आप इस सदी के पूरे महानायक बनो। आपको हम आपको बताएं, ये उपाधि जो है ना, ये खाम खा ऐसे ही जितने पत्रकार लोग हैं। सर अच्छी बात सर। नहीं नहीं अच्छी बात नहीं सर, हम इसको मानते अनते नहीं है। लेकिन सर आपको सर हम लोग आते हैं सर, आपकी कितना प्यार करते हैं पूरी देश की जनता। नहीं, नहीं, हमारी वजह से नहीं आते हैं, आप आते हैं क्योंकि आपको मिलेगा इधर सर। और रविनाथ जी आपकी बहुत सारी आशाएं हैं जो आपने अभी व्यक्त की अपने वीडियो पर। अब आपके सामने आएगा 5वां प्रश्न। जी सर। ये खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए इसका मूल्य। जी सर। तैयार हैं? जी सर बिल्कुल। 5वां प्रश्न अविनाश जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जी। इनमें से किस पक्षी का आहार मुख्य रूप से फल या बीज नहीं होता है? जी। द डाइट ऑफ विच ऑफ दीज बर्ड्स डज नॉट प्राइमरली कंप्राइज ऑफ फ्रूट्स और सीड्स? जी। ऑप्शन सुनिए, ए पिजन, बी ईगल, सी स्पैरो या डी पैरट, कबूतर, बाज, गौरैया या तोता। बाज सर जो होगा वो सर वो चिकन विकन खाता है, तो सर मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगा और सर मैं ऑप्शन बी के साथ लॉक कराना चाहूंगा। बी को ताल लगाने के लिए कह रहे हैं बाज। बिल्कुल सही जवाब दिया। बाज जो है वो एक शिकारी पक्षी होता है, बल्कि जो बाकी तीन है ना उनका भी शिकार करता है ये। अच्छा। हाँ, तोते का और कबूतर का, इनको भी अगर अवसर मिलेगा तो मारता है वो। जी सर। ये है बदलाव की घोषणा, तो चलिए देखते हैं देवियों सज्जनों की आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये देखिए गाड़ी जो है महाराष्ट्र से चली और जा रही है उत्तराखंड। नमस्ते, मैं हूं पंखरी चतुर्वेदी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। आपका सवाल है इनमें से कौन सा क्षेत्र उत्तराखंड में है, और आपके ऑप्शंस हैं ए भरतपुर, बी विदर्भ, सी कोंकण या डी गढ़वाल। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? 67। हाय कौन है? आप हैं? अरे बाप भाई साहब बाप, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आपका शुभ नाम? राजेश कांतरिया। राजेश जी बहुत बहुत बधाई आपको, एक छोटा सा उपहार है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई। अरे भाई साहब सही उत्तर क्या है?
सही उत्तर है डी। डी गढ़वाल, बिल्कुल सही जवाब दिया। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने जी। 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बैकुंठ किस भगवान का निवास स्थान है जी? अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट्स, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ विच गॉड इज वैकुंठ जी? सर ठीक है जी। ऑप्शन देखिए, ए लॉर्ड विष्णु, बी लॉर्ड शिव, सी लॉर्ड इंद्र, डी लॉर्ड सूर्य। भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, भगवान इंद्र जी, या भगवान सूर्य जी? सर, सर भगवान इंद्र नहीं हो सकते क्योंकि भगवान इंद्र तो स्वर्ग थे, सूर्य जी भी नहीं। भगवान शिव जी का तो कैलाश पर रहते हैं। भगवान विष्णु जी का सर वो बैकुंठ धाम में, ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो विष्णु जी थे वो बैकुंठ धाम में रहते हैं। तो सर मैं भगवान विष्णु जी के साथ, मतलब ऑप्शन ए के साथ, मतलब भगवान विष्णु साथ में जाना चाहता हूँ, उनको लॉक करना चाहता हूँ। कह रहे हैं ए पे थाल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जो है वो बैकुंठ में रहती है। बहुत अच्छी तरह से आप अपने हर प्रश्न का उत्तर अनुमान लगा करके आप दे रहे हैं। बहुत अच्छी आदत है आपकी अविनाश, ऐसे ही आगे भी कीजिएगा। ऑलराइट, आ गया है सातवां प्रश्न जी सर। मिलेंगे इसके लिए 40,000 रुपए। रेडी जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अविनाश जी, ये रहा। अवध के सादत अली खान प्रथम की उपाधि इनमें से क्या थी? Which of these titles was held by Sadat Ali Khan, the first of Awadh? Option suni: A. Peshwa, B. Zamorin, C. Nawab, D. Maharaja. Peshwa नहीं होगा क्योंकि सर वो तो मराठा जो होते हैं उनको होता है। अवध की यूपी की बात हो रही है। नवाब सर, नवाब अली, नवाब सादत अली खान होगा सर। जमोरिन तो सर वो केरला के थे, महाराजा तो सर राजा जो होते हैं। तो सर नवाब, मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहता हूँ और मैं नवाब को, नवाब सादत अली खान जो उपाधि थी उनको दिया गया था, मैं ऑप्शन सी के साथ ब्लॉक करना चाहता हूँ। सी पे थाल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अवध के नवाब लखनऊ जी, ये एक नई सांस्कृतिक पुनर्जागरण लेकर आए थे। ओके, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए अविनाश जी, ये रहा आपके सामने। ।2023 में इनमें से क्या मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूएनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? Which of these was inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural Heritage of Humanity जी सर इन 2023। ऑप्शन सुनिए, ए घूमर, बी कथक, सी लावणी, या डी गरबा। सर घूमर नहीं होगा, घूमर आई थिंक राजस्थान में होता है। गरबा जो है सर ये खासकर डंडिया होता है, कल परसों इस पर बात हो रही थी डंडिया को लेकर, आप भी करते हैं जी जी जी। तो मैं गरबा के साथ जाना चाहूँगा और सर मैं ऑप्शन डी को, गरबा को लॉक करना चाहूँगा। डी गरबा कह रहे हैं, ताल लगा जाए। हाँ जी, ये भी सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए हो गए आपके। नवरात्रि का त्योहार होता है, उसमें गरबा जो है किया जाता है जी, बहुत ही सुंदर लगता है ये। बिल्कुल, तो इसको यूनेस्को में अभी एक उनकी जो लिस्ट बनती है, जो सूची बनती है, उसमें शामिल किया गया। ओके, ऑलराइट अविनाश, अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं नवा प्रश्न, ठीक है जी सर। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अविनाश, ये भी एक तस्वीर के ऊपर निर्भर है और वहीं से आधारित है। यहाँ दिखाए गए डाक टिकटों में जी, इनमें से क्या दर्शाया गया है जी सर? Which of these is depicted on the stamps shown here?
जी सर। पहले टिकट देख लीजिए। तीन अलग अलग मुद्राएं बनी हुई है जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूँ, ऑप्शन रखता हूँ, शायद आपका ध्यान जो है और बेहतर हो। ऑप्शन देखिए, ए प्लैनेट्स, बी जोडियक साइन, सी टेंपल्स या डी फेस्टिवल। ग्रह, राशि चिन्ह जी सर, मंदिर जी या त्योहार। सर जहाँ तक ये इमेज दिख रहा है मुझे सर, इमेज के हिसाब से जो पहला जो तराजू, हमारे गांव में तराजू बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन हिंदी वर्ड में उसको तुला बोलते हैं। जो मछली दो है, मछलियां हैं, उसको मिथुन बोलते हैं या मीन बोलते हैं। सर राशि चिन्ह है ये। हां तो क्या करना चाहते सर, इसको लॉक करना चाहूंगा। बी राशि चिन्ह ज़ोडियक साइन पता लगा जाए। चलिए पहले बजिए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, अनुमान भी लगाया आपने। 2010 में राशियों को दर्शाते हुए 12 डाक टिकट जारी किए गए थे, 12 राशि होती हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1,60,000 रुपए जीत गए भाई साहब। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर अब एक चेतावनी है आपके लिए। जी सर। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। जी सर। 3,20,000 रुपए मिलते हैं इसके लिए। जी सर। तो ये इस एक मौके पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आप। जी सर। ठीक है जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बादल के प्रकार निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस में निम्बो और निम्बस क्या दर्शाते हैं? इन द क्लाउड टाइप्स निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस, व्हाट डू द निम्बो एंड निम्बस इंडिकेट? ये बादल के प्रकार, ऑप्शन सुनिए। ए व्हाइट कलर्ड, बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, सी हाई इन द एयर या डी रेन बेरी। क्या ये सफेद रंग है, क्या ये कृत्रिम रूप से प्रेरित, क्या ये हवा में बहुत ऊंचे या डी वर्षा देने वाले? सर मुझे आइडिया नहीं आ रहा इसका बिल्कुल भी, लेकिन निम्ब मतलब सर मैं लाइफ नहीं लेना चाहूंगा अभी। शांत हो जाइए, बाजू मत लीजिए, तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ audience जाना चाहूंगा। ओके, ऑडियंस वोट लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कमेंट। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी रेन बेरिंग, वर्षा देने वाले, इनको सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 50% मिला है। जी सर। ए को मिला है 2, बी को मिला है 30 और सी को मिला है 18%। मैं सर देश की जनता के साथ जो अलग अलग प्रांतों से आई हैं सर, मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। okay. और ऑप्शन डी को वर्षा देने वाले को लॉक करना चाहूंगा। डी रेन बेरिंग, वर्षा देने वाले, डी पे थल लगा जाए। कौन ताली बजाए, बैठ जाइए भाई साहब। बादल के प्रकारों की बात हो रही थी, निम्बोस्ट्रेटस क्यूमुलोनिम्बस की, और सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया आपने डी को जो कि रेन बेरिंग का है। बी को 30% मिला था, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। अगर आप बी करते तो भाई साहब गलत हो जाते, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान्यवर 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया और ये चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का, तालियां बजा इनके लिए। शुक्रिया। निम्बस जो है, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बोस्ट्रेटस दो प्रमुख प्रकार के बादल हैं जी, जो वर्षा का कारण बनते हैं। सर शुक्रिया। हाँ जी, आप सभी को शुक्रिया कि आपने मुझे मुझे नो डाउट मिले, केबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और आप लोगों ने इतने अलग अलग राज्यों से आए, आप मेरे से सपोर्ट कर रहे हो, मेरे चीयर कर रहे हो, और मेरे घर जा तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, और इसके लिए शुक्रिया। और आप लोगों ने मुझे जितवाया है, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। अविनाश जी, तो आप जान गए होंगे कि ये जो है सूचना किस बात की है, ये है सुपर संदूक के लिए। जी सर। ये एक नया परिवर्तन किया आपकी बार केबीसी में, ये है सुपर संदूक, और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। कौन सी भाषा में आपके सामने प्रश्न पढ़ो? सर जिस भाषा में सोच चल रहा है। हिंदी, हिंदी में। ओके, ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ? केला। करेक्ट। नेक्स्ट, क्रिकेट में बल्लेबाजी करने वाली टीम क्या स्कोर करती है? बॉल पुश। करेक्ट। नेक्स्ट, खेतों में ट्रैक्टर इनमें से किस जानवर की जगह ले सकते हैं? बैल। डी। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस में प्राकृतिक प्रोटीन नहीं होता है? पानी, मांस, पनीर, दाल। पानी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसने राजा हिंदुस्तानी फिल्म में अभिनय किया था? माधुरी दीक्षित, तबू, श्रीदेवी, कपूर। करेक्ट। नेक्स्ट, रॉकीज नामक पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन रामायण के एक प्रमुख पात्र नहीं है? जनक। जयद्रथ। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक राज्य की राजधानी नहीं है? भीमसूर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसे कार्य करने के लिए स्याही की कार्ट्रिज चाहिए होती है? स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर। करेक्ट। नेक्स्ट, कांगा क्रिकेट लीग किस शहर में आयोजित की जाती है? कांगा क्रिकेट लीग इसमें से क्या 17 सेकंड कांगा कां 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 कांगा कहां होता भैया? कांगा क्रिकेट, अरे बाप रे बाप, मुंबई, चेन्नई, कौन होगा कौन होगा? जय माता दी, जय माता दी, कोलकाता। गलत। मान्यवर, समय समाप्त हो गया। आपको बता दें देवी और संजय की 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 90,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। वो जो आखिरी प्रश्न था जिसपे आप बहुत, वो मुंबई है, कांगा क्रिकेट लीग किस शहर में आयोजित की जाती है? मुंबई में। जी। कलकत्ता में नहीं। ऑलराइट बानिवर, तो 90,000 रुपए बैंक में डालें या अपनी लाइफ लाइन जीवित कराएंगे? मैं सर ऑडियंस पोल के जीवित करना चाहता हूँ। फिर से जीवित कराना चाहेंगे ऑडियंस पोल। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, और यहाँ भी एक छोटी सी बात बता दें, इस प्रश्न को खेलिएगा आप जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर। 3 लाइफलाइन है वो उसके अतिरिक्त, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। जी सर। मान लीजिए कुछ गलत हो भी गया, कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। जी सर। और ये प्रश्न जो है इसी के ऊपर, उसी के आधार पर बना है ये प्रश्न। ये है कि ये पुस्तक मुख्यतः किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है? जी सर। Which freedom fighter is this book primarily about? जी सर। तस्वीर दिखाई जाए। ऊपर लिखा है जोसेफ मैक्वेट, एक तस्वीर है, फिर है फ्यूजिटिव ऑफ एम्पायर, जापान एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, राजबिहारी बोस। बी, सरदार उधम सिंह। सी, मोहम्मद इकबाल शेदाई। डी, तारकनाथ दास। सर सरदार उधम सिंह तो नहीं होना चाहिए, तारकनाथ दास भी नहीं होना चाहिए, मोहम्मद इकबाल सैयद भी नहीं होना चाहिए, जोसेफ एम सी पॉल। लेकिन सर जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो खासकर रास बिहारी बोस साहब जी के बारे में, और सर जहाँ तक जापान भी उसमें लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसमें कि वो इंडिया से, मतलब इंडिया में तो जन्म लिए थे लेकिन वो चले गए थे जापान, और रास बिहारी बोस साहब की वहाँ पर शादी किए थे एक जापानी महिला से, जापान भी लिखा है वो भी लिखा है, तो और वहाँ पर शायद उन्होंने एक नागरिकता भी ले लिया था,
तो इसका राइट आंसर यही होगा, राज बिहारी बोस। और मैं सर ऑप्शन ए के साथ जाना चाहता हूँ और ऑप्शन राज बिहारी बोस आपको लॉक करना चाहता हूँ। बड़ा सोच विचार के बाद, बहुत सारा इतिहास बताने के बाद कह रहे हैं ए राज बिहारी बोस, ताल लगाया जाए। आपने कहा था कि वो जापान चले गए जी और ब्याह किया उन्होंने वहाँ। हाँ, पर वो तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ तो सर वो स्वतंत्रता सेनानी थे तो, लेकिन यहाँ से वो चले गए थे किसी कारणवश वहाँ पर राज बिहारी बोस, और वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी उन्हीं का आया थी। अच्छा, तो यही होगा सर। सही जवाब निकला आपका, वेल प्लेड अविनाश जी। क्या बात है, वाह वाह, इतना गहरा इतिहास आपने पढ़ा हुआ था, इसकी जानकारी थी, इसके लिए बधाई देते हैं हम आपको, बहुत बहुत बधाई। राज बिहारी बोस भारत में अंग्रेजों से बचकर ये जापान चले गए थे जी सर, और उन्होंने वहां से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जारी रखी जी सर, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने किए थे। बहुत बहुत बधाई आपको भाई, शुक्रिया सर, वेल प्लेड। देव सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। अविनाश जी बहुत बहुत बधाई आप। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। शुक्रिया सर, और मूल्य इसका 12,50,000। शुक्रिया सर। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा अविनाश जी। इनमें से किस द्वीप पर ट्री कैंगरू का प्राकृतिक आवास है? ऑन विच ऑफ दीज आइलैंड्स कैन यू फाइंड ट्री कैंगरूज इन द वाइल्ड? ऑप्शन देखिए, ए कोमोरस, बी मैडागास्कर, सी न्यू गिनी, डी फिलीपींस। कोमोरस, मैडागास्कर, न्यू गिनी, फिलीपींस। सर पापुआ न्यू गिनी जो है ना, वो ओशेनिया जो ऐसा कहा जाता है कि उसमें आता है, ओशेनिया महाद्वीप में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। कभी कभी उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है, कभी ओशेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। सर ये उसी के अंदर ये न्यू गिनी भी आता है, इसमें पापुआ नहीं जोड़ा, लेकिन हो सकता है कि पापुआ न्यू गिनी। सर मुझे तो ज़्यादा कोमोरस तो नहीं सुना है पापुआ, क्योंकि अफ्रीका सॉरी ओशेनिया महाद्वीप में ये कंगारू जो उसके चाचा मौसा भतीजा हैं लोग हैं रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उसमें ओशेनिया सब चीज़ें, पापुआ न्यू गिनी भी उसी में ही है। तो मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं भाई, गलत जवाब नहीं चाहिए। अविनाश आराम से, घर वाले इंतजार कर रहे तुम्हारे, अच्छा करना है तुम्हें, अपने लिए करना है, तो गलत जवाब तुम्हें पापुआ। सर पापुआ न्यू गिनी मुझे तो काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग है, डबल डिप लिया जाए, न्यू गिनी या कोमोरो, कोमोरोस में लॉक किया जाए। अगर ले लिए तो 2 लाइफ लाइन घर से लेके जाना पड़ेगा, अगर गलत हो गया तो। मेडागास्कर तो इधर है, तो नहीं फिलीपींस तो। सर मैं, मुझे लगता है कि सर देश की जो जनता है, आई थिंक ये जवाब उनके पास होगा, जवाब दे सकते हैं और मेरे जो उम्मीदों की किरण है सर उसको जगा सकते हैं। तो सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल लेना चाहूँगा, और मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा जी सर। बड़े सोच विचार के बाद कंप्यूटर महाशय अविनाश जी कह रहे हैं लाइफलाइन लेंगे, और ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस साहब की बारी आ गई, आपका समय शुरू होता है अब। सी न्यू गिनी को भी जनता ने दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, ए 11%, बी 28%, सी 59% और डी को 2%, 11, 28, 59, 2%।
क्या करना चाहेंगे? पापुआ न्यू गिनी लॉक कर दीजिए सर। लॉक करें? जी। बड़ी सोच विचार के बाद ऑडियंस पोल की पोल को लेने के बाद कह रहे सी न्यू गिनी पे ताला लगाया जाए। आप जो पहले सोच रहे थे भाई साहब वो क्या था? न्यू गिनी। यही सोच रहे थे? जो आपने पहले सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। जनता को धन्यवाद दीजिए, इनको भी, इधर भी। आप सभी लोगों का शुक्रिया। बहुत ग्रेट ऑडियंस। 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने। कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ट्री कैंगरूज पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि आपकी सोच जो है और आपकी जो ज्ञान है वो सही दिशा में जाती है। आप अनुमान लगाते हैं बहुत सही तरीके से। ऑलराइट मान्यवर, 12,50,000 रुपए आ गए आपके पास। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर ये पैसे मिले बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज तक मैंने एक रुपये नहीं कमाया सर। जहाँ से लेकर अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ तो सर मेरे भैया की वजह से। सर मेरे भैया जो हैं पूरे देश की सेवा, मतलब जो होते हैं ना कि बॉर्डर पे सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर, उनके वजह से मैं पढ़ रहा हूँ सर। उन्होंने 2019 में मेरे लिए लोन लिया 10,00,000 रुपये का। तो सर मैं सबसे पहले 10,00,000 मैंने अपने भैया को लोन पे करना चाहता हूँ। सेकेंड चीज़ ये कि सर जैसे मेरे पिताजी अन्नदाता किसान हैं, उनको खेती करना बहुत पसंद है, वो खेती करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जीवन में। जी जी। तो सर मैं चाहता हूँ कि इतना तो कर लो, कम से कम अपने पापा जी को जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, अपने माता जी से, तो कम से कम अपने पिताजी को सर खेती करने के कुछ सर जमीन दे सकूँ, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरे बेटे ने जमीन खरीद दिया है मुझे खेती करने के लिए सर, ताकि उसमें दाल चावल जो भी उगा सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं अपने लिए, यही सब चीज़ें हैं सर। और अपने भी सर सेविंग करना चाहता हूँ सर। मुझे नहीं पता कि सिविल सर्विस का अभी जर्नी कितना लंबा हो सकता है। तो ये धनराशि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। अब मान्यवर आ गया है दूसरा प्रश्न, एक और आगे। ये है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25,00,000 रुपए। शुक्रिया। और अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी है। जी सर। 13वां प्रश्न 25,00,000 रुपए। अविनाश भारती जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। '1875 में शुरू हुआ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समारोह हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाता है? Which city hosts the हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, a हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल that was started in 1875? ऑप्शन सुनिए। ए जालंधर, बी पटना, सी हैदराबाद, डी अजमेर। सही उत्तर देंगे आपको 25,00,000 रुपए। यहां अगर आप गलत हो गए 12,50,000 आप जीत रहे हैं, हार जाएंगे 9,30,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सवाल सर ये तो 1 करोड़ का सवाल लग रहा है मुझे, बहुत हाई रिस्क। 1 करोड़ से कम कौन है? 1875 में शुरू हुआ एक हिंदुस्तानी संगीत समारोह हरिवल्लभ संगीत, तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ सर। 1875 संगीत कहाँ होता है? पटना, हैदराबाद। सर मुझे लगता है कि लाइफलाइन के पास पता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं। सवाल बहुत टफ है लेकिन आई होप होना चाहिए। मैं सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड करना चाह रहे हैं? जी सर बिल्कुल। ओके, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और आपने 3 नाम दिए थे भाई साहब जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये रहे वो 3 नाम। एक है अंकित शर्मा, रूपा अग्रवाल और राहुल। किसके पास होगा? सर मैं रूपा जी को कॉल लगाना चाहता हूँ। रूपा अग्रवाल जी। जी सर। और कमरे महाशय रूपा अग्रवाल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये भी मित्र हैं आपके? जी सर। रूपा जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। रूपा जी
अविनाश जी, एक एक प्रश्न का उत्तर मांग रहा है आपसे और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। जी जी सर। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज है अविनाश जी। अविनाश, आपका समय शुरू होता है अब। 1875 में शुरू हुआ एक हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत समारोह हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाता है? जालंधर, पटना, हैदराबाद या अजमेर? हरिवल्लभ संगीत 1875 कहाँ आयोजित किया जाता है? जालंधर, हैदराबाद, पटना, अजमेर? 1875 में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? जालंधर में कि हैदराबाद में कि पटना में, अजमेर में? कब हुआ था, मतलब कहाँ से हुआ था? जालंधर से कि हैदराबाद से, पटना या अजमेर? 1875 में ऑप्शन ए जालंधर। ऑप्शन ए जालंधर। श्योर हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर। समय पूरा हो गया उनका। उनको संगीत का नॉलेज था कि क्या करना चाहेंगे सर? घर वाले वेट कर रहे पिछले 4.5 सालों से तुम्हारे। अच्छा करोगे तभी सही है होगा तुम्हारे। सर मैं उन्हें शोर बोला है कहीं ना कहीं, वो मैंने उनको बोला था अगर शोर होगा तभी पुलिस मत बोलिएगा जवाब। तो सर मैं जालंधर पंजाब, ऑप्शन ए। ए से अमिताभ, ए से अविनाश। सर ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे, जाना चाहूंगा। ओके, लॉक करना चाहूंगा। तो आपको बोलना पड़ेगा क्या सर? जालंधर को लॉक किया जाए। ए जालंधर पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। ए से अविनाश और ए से अमिताभ। सर कहां ये तय होता है? सही जवाब। वेल डन। आ गए हैं वापस, उनको धन्यवाद दीजिए। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया, थैंक यू सो मच रूपा मैम। हाँ जी जी शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई आपको रूपा जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो ये जो महोत्सव है इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी जी सर, और इसका नाम था संगीतकार और संत बाबा हरिवल्लभ जी, बाबा हरिवल्लभ के सम्मान में रखा गया था जी सर। और जालंधर में देवी तालाब मंदिर शक्ति पीठों में से एक और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां इसका आयोजन होता है जी सर। बधाई बधाई, 25 लाख रुपए आपने जीत लिया है। शुक्रिया, इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। वेल प्लेड अविनाश जी। अब आप 25 लाख रुपए जीत चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अपने माता पिता को आपको बता देना चाहिए जी सर कि आप, हम चाहेंगे कंप्यूटर जी कैन वी गेट हिज पेरेंट्स ऑन द लाइन। प्रणाम करता हूं आपको, आपके सुपुत्र हमारे सामने बैठे हैं अविनाश और बता दें आपको कि केबीसी पे आने के बाद ये 25 लाख रुपया जीत गए हैं। और जी जी पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, वो भावुक होकर के रो रहे हैं। कभी उन्होंने सोचा नहीं था, 4 साल हो गए इन्होंने कहा कि वो घर वापस नहीं गए हैं। और अविनाश अभी अब आप हम समझ सकते हैं कि आप बहुत भावुक हो रहे हैं, अब इनको छोड़ दीजिए। चलिए माता पिता से तो बात कर लीजिए आप। और चलिए आप भावुक हो रहे हैं, उधर माता जी भी रो रहे हैं। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श मम्मी बोल रहा था बेटा। चला चला बेटा, सपना अपने काले काला भैया सरकार होता आपसे जो बोले था, 4 साल से दिखाई नहीं दी। साढ़े चार साल हुआ बेटा, देख ले आपको 4 साल हुआ। अब इनको आश्वासित कीजिए कि अब आप जा करके इनको मिलेंगे जो 4 साल के आपने प्रण दिया हुआ था। बिल्कुल मम्मी जल्दी आई है, जैसे खेल के वापस आ जाए। हम इनका जहाज में बैठा के भेज दे मम्मी, तुम्हारे पास भेज दे हम उनका। हाँ मम्मी जी बाबू, हम ना आपकी भाषा में बतावा थे केबीसी में काबा,
आप लोग भी सुनिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। अपनी मामा की भाषा में बता रहा हूँ, जो भोजपुरी खास कर है, कि सुना भैया माई बहन हो केबीसी में काबा, ज्ञान का समान बा, 16 गोसा वाल बा, 7 करोड़ का इनाम बा, होस्ट मजेदार बा, हो काबा। रुका रुका रुका, और भी सुना मम्मी। सबसे बड़का बात पता है क्या? सबसे बड़का बात भैया, केबीसी में श्री अमिताभ बच्चन बा। मम्मा आपका बेटा अविनाश बा। मम्मी अब ग्राफ ऊपर उतर बा, अब कब तक चली 25 साल तक ग्राफ ऊपर, नीचे ना आई अब। इतना बेटा बहुत ठीक है अम्मा, ठीक है पापा, ठीक है, प्रणाम बाबा चरण स्पर्श, मम्मी बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आ रहा है 14वां प्रश्न और है मूल्य इसका 50 लाख रुपए। जी सर। एक लाइफ लाइन अभी भी बची हुई है डबल डिप की। जी सर। इसको बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा। जी सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेलने के संदर्भ में निरोली फेयर हॉल ने इनमें से क्या विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी? निरोली फेयर हॉल has achieved which of these distinctions with respect to competing in the summer Olympics? ऑप्शन सुनिए। ए, फर्स्ट टू रिप्रेजेंट टू कंट्रीज। बी, First Paralympic athlete. C, oldest athlete. D, youngest athlete. A, दो देशों की ओर से खेलने वाली पहली खिलाड़ी। B, पहली पैरालंपिक खिलाड़ी। C, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी। या D, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। निरोली फेयर हॉल, सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000, यानी कि 21,80,000 रुपए आप हार जाएंगे। जी सर। किसी भी समय अगर आपको लगे कि हमें उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। एक लाइफलाइन है डबल डिप की। जी सर। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। जी सर। अगर आपको लगे कि नहीं, हमारे पास दो ऐसे उत्तर हैं जो कि सही हो सकते हैं, तो ही मैं राय दूंगा कि आप इसे लें, क्योंकि एक बार ये ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाए। बिल्कुल सर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक 2022 का लंदन टोक्यो टोक्यो हुआ था सर। निरोली फेयर हॉल का तो नाम मैंने सुना नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा कुछ एनिमेशन कर सकते हैं चाहे तो। हम सबसे उम्र दराज खिलाड़ी तो ये तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओलंपिक में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी वो एलेक्स कनेक्टी थी। सीट हटा दो अविनाश। देख भाई, तुझे अच्छा से करना है बाबू, उम्मीदें ज्यादा, दो सवालों का जवाब दे सकते हो। एक हटाओ, सोचो, धैर्य रखो, सोचो सोचो, और एक सवाल और इनमें से कोई है जो बाहर है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ओलंपिक में एक महिला बनी स्केटिंग में, लास्ट ईयर 2021 टोक्यो में सर, वो महिला थी सबसे यंगेस्ट। इनका क्या नाम था यही नहीं पता। अविनाश फोकस करो, फोकस करो, फोकस, उधर उधर भागो मत, फोकस से जवाब मिल सकता है। फोकस फोकस फोकस, जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लास्ट चांस है, अच्छा से लास्ट डे है। दो देशों की ओर से खेलने वाली पहली खिलाड़ी हो सकती हूँ क्या ये?
25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, किसी भी समय आप चाहे तो क्विट कर सकते हैं, आगे खेलने से नहीं रोकेंगे। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है डबल डिप की, एक बार इसे ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। सोच लीजिए कि 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। पहली बात, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, चरण स्पर्श किया हुआ आपने मुझे। सबसे पहले 10 लाख मैं अपने भैया को लोन पे करना चाहता हूँ। अपने पिताजी को सर खेती करने की कुछ सर जमीन दे सकूँ, ताकि उनको लगे कि हाँ मैंने बेटे ने जमीन खरीद दिया मुझे खेती करने के लिए। 50 लाख का सवाल, दो देशों की ओर से खेलने वाली पहली खिलाड़ी सर, इसमें लिखा है ना कि उपलब्धि प्राप्त की थी, मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है, मतलब क्योंकि वो तो पास्ट की बात हो रही है। क्योंकि जब इंसान की सौरगरा जो इंसान चला जाता है इस दुनिया को छोड़कर, तो अभी वर्तमान की मतलब बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो हुआ था टोक्यो उसमें महिला जो सबसे यंगेस्ट बनी थी स्केटिंग के लिए, तो यंग अभी वो तो यहाँ पर क्या विशेष उपलब्धि प्राप्त की है होना चाहिए, थी नहीं, ठीक है, मतलब कि आप नहीं उस दुनिया में चले गए या उससे पहले हुआ की थी यार, वो भी तो पास्ट की बात है, 2 साल पहले हो गया। ए और डी सर, ए और डी, हाँ सर। सर हमको इसका उत्तर नहीं मालूम, ऐसी आशा भरी नजरों से हमें देखेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं, और अगर मालूम होता भी तो भी हम कोई इशारा नहीं दे सकते थे आपको, और हमारे पास है भी नहीं, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। आपके पास है जी? ए और बी में लग रहा है सर, यही होगा, क्योंकि सी तो नहीं है। चलिए, हमको नहीं मालूम कि आप जो कह रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं या हमको बता रहे हैं? जैसा लग रहा है सर, हां चल रहा है आपके मन जी, ए और बी, क्योंकि डी अभी तो पास की बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली बनी महिला। सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट और लूंगा, होगा तो ठीक, लेकिन मुझे आगे जाना है, भगवान ऊपर वाले। और एक बात बता दे भाई साहब जी, लालच जो है सर वो बड़ी बुरी चीज जी, लालच में कई बार इंसान जो है बहुत बड़ी भूल कर देता। लालच है क्या अंदर तुम्हारा अविनाश? लालच है क्या? नहीं, लालच तो नहीं है। लालच है तुम्हारे अंदर, कभी जीवन में पड़ा है, लाइफ में है तो मत खेलो, ना है तो खेल जाओ। लालच है? लालच तो नहीं है मेरे अंदर सर, लालच होता तो मैं सर, मैं रिक्स लूंगा सर। क्या करेंगे? डबल डिप। डबल डिप लेना चाह रहे हैं जी सर? और बहुत सोच विचार के बाद अविनाश जी ने कहा कि वो डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, अविनाश जी कुछ चीजें बता दें आपको, अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते, उत्तर देना ही पड़ेगा आपको। डबल डिप की सुविधा यह है कि आप को 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी सर। ए फर्स्ट टू रिप्रेजेंट 2 कंट्रीज, 2 देशों की ओर से खेलने वाली पहली खिलाड़ी, तल लगा जाए। मान्यवर ये गलत है। अब आपके पास केवल एक ही अवसर है उत्तर देने का, दूसरा उत्तर बताइए। पैरालंपिक खिलाड़ी हो सकता है क्या? बी लॉक करूं क्या? लॉक करूं क्या भगवान? सर मैं ऑप्शन बी के साथ। बी के साथ जी सर। फाइनली बोली क्या कहना सर? ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूं। ऑप्शन बी फर्स्ट पैरालंपिक एथलीट, ताल लगा जाए। पहले आप डी कह रहे थे भाई साहब, आपने कहा था ए और डी के साथ आप जाएंगे,
आपने कर दिया इसको अंत में परिवर्तन। आपने कहा बी, कई सारी हमने आपको चेतावनियां दी थी। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। सर मैं 2019 में लास्ट टाइम घर गया था सर, पिछले 4.5 साल अभी तक घर नहीं गया हूं, क्योंकि सर मैं अपनी माँ से वादा किया था, पापा से, कि पापा मम्मी कुछ अच्छा करके आऊँगा, या तो कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा, या तो IAS ऑफिसर बनकर ही आऊँगा। 50 लाख Well played. उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। निरोरी फेरॉल एक लेजेंडरी पैरालंपिक आर्चर थी जो तीर कमान चलाती थी। इन्होंने अपने पैर गंवा दिए थे और उन्हें व्हीलचेयर का उपयोग करना पड़ा था। 1984 के समर ओलंपिक्स में वो भाग लेने वाली पहली पैरा एथलीट बनी। शुक्रिया। उन्होंने पैरालंपिक्स में कई पदक जीते। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे सर ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया है, खेला है। मान्यवर हुटर बच गया है, मतलब ये कि आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जी सर। और अगली बार जब आपसे मिलेंगे जी सर, तो पहला प्रश्न होगा 1 करोड़ रुपए। शुक्रिया सर। तो आज हमको यहीं खेल समाप्त करना पड़ेगा। तो देवियों सज्जनों, देखिए कल भले ही ज्ञान और मनोरंजन के दौर का आखिरी दिन हो, लेकिन 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 कल हम अपने इस दौर के समापन का जश्न मनाएंगे खेल और फिल्म जगत के कई प्रतिष्ठित और प्रेरक हस्तियों के साथ। आप जरूर आइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।